This is Arvind Hussain. Today I'm going to teach you English. सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी English को sentence बनाने से पहले किसी भी English का sentence बनाने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है. कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? जिसको हमने जो ग्रुप के अंदर में डिवाइड किया है, पहला ग्रुप A, दूसरा ग्रुप B. आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले ग्रुप A और ग्रुप B, उनके बाद जाके फिर हम लोग सीखेंगे कि क्या सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना. अगर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी समझ में आता है, इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा. अगर ये समझ में आ गया तो इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ. तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा, कहाँ से होगा, और वो सेंटेंस बनाने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं. सिंगुलर प्लूरल के अंदर में कंफ्यूजन होती रहती है. तो आज हम इस वीडियो के अंदर में ग्रुप ए ग्रुप बी जो हमारा सबसे बेसिक है उसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम आगे समझेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, और इसके आधार पर इसके बेस पर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ऐसे नहीं इंग्लिश सीखना है तब आइए, टाइम पास करने वालों के लिए नहीं, टाइम पास नहीं करना, इंग्लिश सीखना आइए. अब सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले आपके पास कुछ तो होना चाहिए ऐसे टाइम पास के लिए. मैं देखिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उनके बाद जाके आप जो है जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोटिस करें आप, ठीक है. तो सबसे पहले हम ग्रुप ए पर ध्यान देते हैं. हमारा ग्रुप ए एक्चुअली होता है क्या है? ग्रुप ए जितने भी सिंगुलर प्लूरल का जो सेंटेंसेस होता है उसको हमने दो ग्रुप में बांट रखा है, एक ग्रुप ए दूसरा ग्रुप बी. तो ग्रुप ए के अंदर में सिर्फ ग्रुप ए ग्रुप बी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ. मेरा एक ट्रिक है जो बच्चों को समझाया जा सके इससे. तो पहला जो हमारा ग्रुप ए के अंदर में आता है, पहला लेटर हमारा पहला जो है वो आई है. इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं. पहला हमारा है आई. आई में है, जैसे पहला आई का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, मैं ठीक है अपने आई का मीनिंग मैं पढ़ा होगा, लेकिन अपने आई का मीनिंग मेरा बहुत कम ही पढ़ोगे कि आई का मीनिंग मेरा भी होता है. लेकिन आपको कह नहीं पता है तो आई मैं आपको बताता हूँ आई का मीनिंग मेरा भी होता है. इसके एग्जाम्पल मैं देकर समझाऊंगा. जैसे आपको कहना होगा कि मेरे पास कुछ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्कर है, सपोज दैट आई हैव अ मार्कर. तो इसको इंग्लिश हम लोग कहेंगे कि मेरे पास एक मार्कर है. कैसे बोलेंगे? आई हैव अ मार्कर. आई हैव अ मार्कर, ठीक है, बोलिए आई हैव अ मार्कर. तो आई इस तरह पर इस्तेमाल हो रहा है, आई का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका हिंदी निकल रहा है मेरा. इसका हिंदी क्या निकल रहा है? मेरा निकल रहा है. इसका मतलब होता है कि आई का मतलब मेरा भी होता है. नेक्स्ट हम जाते हैं मुझे. आई का मीनिंग हम यहाँ लिखा हुआ है मुझे, ठीक है, समझते हैं आप इसका आई का मीनिंग. इसका भी आपको बहुत कमी से पता होगा कि आई का मीनिंग मुझे भी होता है. तो चलिए आज हम इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं. आई का मीनिंग मुझे क्या होता है? सपोज दैट जैसे मैं कहूँगा मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, आप अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं एक तरह से मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए. तो यहाँ पर आई का मीनिंग क्या निकल रहा है? आई शुड लर्न इंग्लिश. रिपीट विद मी, आई शुड लर्न इंग्लिश. So, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए. तो आप आई पे नोटिस नहीं किया, आई के हिंदी पर निकल मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है. तो आई के हिंदी पर मुझे निकलना. इसी तरह हमारा यू का मतलब होता है नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, तुम पढ़ा होगा, आप पढ़ा होगा, लेकिन इसका और भी मीनिंग होता है, तुम्हारा भी होता है. तुम्हारा इसको हम समझ लेते हैं एक्चुअली कब इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका. चलिए अगर हम देखते हैं कि आप यू का भी मीनिंग तुम्हारा और आपका आ रहा है, कैसे आएगा, इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा लेके समझते हैं. जैसे मैं कहूंगा कि आपके पास मोबाइल है या तुम्हारे पास मोबाइल है, इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव अ मोबाइल फोन. जैसे किसका हिंदी निकल रहा है? आपके पास मोबाइल फोन है या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वी की तरफ. बढ़ते हैं वी का मीनिंग जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर हम, और नेक्स्ट हमारा जैसे हमारा हमें हम लोग, तो हम समझ लेते हैं वी का. नॉर्मली हम लोग को पता है कि वी का मीनिंग हम होता है, लेकिन आपको बहुत आपको बहुत कम पता होगा कि वी का मीनिंग हमारा भी होता है. तो इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग कि हमारे पास कुछ होना कुछ है. क्या है हमारे पास? हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए. हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए, अपने हिंदी का निकल हमारे पास होना चाहिए. I should have mobile phone. हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए. यहाँ पर आई का हिंदी निकल रहा है, हमारा निकल रहा है. इसी तरह हमें अब यहाँ पर ऐसा सेंटेंस बनाए जिससे हमें हिंदी निकल जाहिर होना चाहिए. जैसे मैं कहूँगा कि हमें समय पर खाना खाना चाहिए. We should take food.
by time. We should take food by time. कैमरे से आए पर खाना खाना चाहिए. Get it? अब यहाँ पर आप भी का जो meaning निकल रहा है हम यहाँ हम लोग को clear हो रहा है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं they. They का मतलब होता है वे, उन लोगों का या उनका. अब यहाँ पर normally जैसे they इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप चीज समझ लें कि they का इस्तेमाल जो अपने अलावा जो और लोगों की बातें करते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं. सपोज दैट किसी कोई आया दरवाजे पर, वहां से पूछ रहा है कि क्या बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसे रिप्लाई करूंगा, मैं उनको रिप्लाई करूंगा हाँ वे लोग पढ़ते हैं, हाँ वे पढ़ते हैं. तो अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दे. मतलब दे में क्या होता है, हम खुद की बात नहीं करते हैं, किसी और पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी होता है उनकी बात करते हैं. तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं दे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहेंगे वे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, They study well. इसका हिंदी क्या निकल रहा है, वे अच्छे से पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उन लोगों का एक और हमने लिखा है यहाँ पर उन्हें. अब हम बात करते हैं उन्हें. उन्हें का ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसके अंदर में उन्हें शब्द आना चाहिए. ठीक है, जैसे कहेंगे उन्हें खाना खाना चाहिए. They should take food by time. आके उन्हें समय पर खाना खाना चाहिए. अब नेक्स्ट हमारा है उन लोगों का. जैसे हम लोग ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसके अंदर में पता चले हिंदी निकलना चाहिए उन लोगों का, उन लोगों के या उन लोगों का या उनका. ठीक है, इस तरह का हिंदी निकलना चाहिए. जैसे मैं कहूँगा उन लोगों के पास अपना मकान होना चाहिए. They should have own house. उन लोगों के पास अपना मकान होना चाहिए. आगे हम बात करते हैं प्लूरल. आपको पता होगा प्लूरल ये शब्द है जो एक से ज्यादा की बात करता है, मतलब एक नाउन से ज्यादा की बात करता है. सपोज दैट एक से ज्यादा मैं लिखा है. एग्जाम्पल में आपको दिखाना होगा, नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है एज लाइक गर्ल्स बॉयज. गर्ल्स लिखा हुआ मतलब कि ज्यादा लड़कियां, बॉयज लिखा हुआ मतलब कि ज्यादा लड़कों की बात हो रही है. इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं. अब नेक्स्ट हमारा है ग्रुप बी. ग्रुप बी क्या होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं. ग्रुप बी हमेशा जो है सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होता है उनकी बात करता है. सपोज जैसे कि फर्स्ट में हमने लिखा है ही का मतलब होता है वह. ही का मतलब क्या होता है, वह होता है. जैसे अब नेक्स्ट हमारा होता है जैसे कि शी, इट है, नाउन है, सिंगुलर है. और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एज गर्ल, बॉय, ये एग्जाम्पल्स हो गए. चलिए इतना हम समझ लेते हैं ही का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है. ही का मीनिंग जैसे हमने लिखा है कि वह, क्या लिखा हुआ है, वह. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे उसका. क्या लिखा हुआ है, उसका. उसके बाद क्या आता है, उससे आता है. अब इसी तरह का एग्जाम्पल मैं देकर समझा देता हूँ. जैसे मैं कहूंगा कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है. नॉर्मली हम लोग क्या कहेंगे कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है. ही इज अ गुड स्टूडेंट. He is a good student. वेरी गुड. अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं शी. शी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फीमेल के लिए करते हैं. अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख दिया फीमेल और इसके लिए भी हिंदी वही होगा कि वह, उसका या उसे. जैसे मैं कहूंगा She is very nice girl. वह एक अच्छी लड़की है. अब मैं कहूंगा उसके पास लाइक ऐसा हिंदी लिखा है. देखिए इन दोनों को हम लोग डिफरेंट करेंगे. अब दोनों की हिंदी उसका उसका लिखा उसका या उसका उसके हम कह सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसका हिंदी आना चाहिए उसका या उसके, दोनों में समझ समझ में आना चाहिए. जैसे मैं कहूंगा कि she should have tasty food. उसके पास टेस्टी खाना है, मतलब कि मजेदार खाना है, लजीज खाना है. अब यहाँ पर शी है. अब हम शी का इस्तेमाल इसलिए किए हैं, अगर शी का इस्तेमाल नॉर्मली करेंगे तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि शी का इस्तेमाल हुआ है. इससे आपको ये पता हो चल रहा है कि शी का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं, किसी फीमेल के लिए कर रहे हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उसे मतलब इस ऊपर भी देखिए आप ध्यान दे सकते हैं कि ही का मतलब भी उसे लिखा हुआ है और शी का मतलब भी उसे लिखा हुआ. अब दोनों में क्या डिफरेंट है, उसे इंग्लिश सीखना चाहिए. शी शुड लर्न इंग्लिश फॉर हर करियर. उसे अपने करियर के लिए इंग्लिश सीखना
चाहिए, आप सी का हिंदी क्या निकल रहा है यहाँ पर, उसे निकल रहा है सर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, इट का जो इस्तेमाल होता है नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इट का इस्तेमाल, इसका मीनिंग जैसे आपने लिखा हुआ यहाँ यह लिखा हुआ है, देखिए एक चीज और यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ, इसे लिखा हुआ है तो और मीनिंग आप देख सकते हैं इसका लिखा हुआ है, इतना ना आपको वेरी गुड। तो यह का मतलब आप हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका भी समझ लेते हैं कि इट का मतलब यह मतलब कि क्या होगा कि इसके पास, हाँ लाइक जैसे मैं कहूँगा कि इट का इस्तेमाल कब होता है कि जब किसी ऑलरेडी आप किसी नाउन यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स का नाम मेंशन करते हैं और उनकी जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं जो नाउन इस्तेमाल करते हैं वहाँ इट होता है। जैसे मैं कहूँगा इट इज ब्यूटीफुल कि जो है बहुत मतलब खूबसूरत है, अब मैं कहूँगा कि इसमें इसके पास इंक है, जैसे मार्कर, ये मार्कर है इसके पास इंक है, जैसे मैं कहूँगा इसके पास या इसका, ठीक है इट हैज इंक, इट हैज इंक, इसमें इंक है या इसके पास इंक है, अब यहाँ बना रहा इसके, ठीक है अब उनके इसे अच्छे से चलना चाहिए, इट शुड वर्क वेल, अब मैं क्या कह रहा हूँ इट शुड वर्क वेल, इसे अच्छे से चलना चाहिए, इसके पास इंक है इट हैज इंक और यह अच्छा है, यह अच्छा मार्कर है, इट इज ब्यूटीफुल मार्कर, इज नाइस मार्कर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नाउन, नाउन भी हमेशा सिंगुलर होता है, नाउन मतलब नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं संज्ञा जिसको हम कहते हैं या नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लोग कहेंगे तो नाउन का मतलब हो जाएगा नाम, नाउन का क्या मतलब हो जाएगा नाम, जैसे कि बहुत सारे नाम है हम जैसे हिंदुस्तान एक नाम है, मेरा भी नाम है, आप जो देख रहे हैं आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो वो सब के सब यहाँ नाउन से निकलेगा और ये हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सिंगुलर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है इस कोई एक चीज, सिंगुलर मतलब क्या होता है कोई चीज, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे कि गर्ल बॉय कोई एक नाम क्या कहलाएगा, अरे बोलिए क्या कहलाएगा सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है इस चीज को समझ लें अच्छी तरीके से और इसको आप लिख लें, इसको याद रखना है कि आपको बिल्कुल ग्रुप ए, जब तक ग्रुप ए और ग्रुप बी क्लियर नहीं होगा आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ वो आपका क्लियर नहीं होगा, इसको लिख लीजिए आप, जब तक ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं समझ में आता है आपको आगे की चीजें समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज काइंडली नोट इट डाउन एंड जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़ बाय।